आज हम काफी महत्वपूर्ण एक टॉपिक समझेंगे, किडनैपिंग। बीएनएस की धारा 137 में है। जब पहले आईपीसी में हमने पढ़ा था तो ये 359, 60, 61 में प्रकार बताए गए थे, 60 में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और 61 में बताया गया था किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप और 63 में पनिशमेंट था। परंतु वर्तमान में जो बीएनएस की धारा है वो सेक्शन 137 के फर्स्ट क्लॉज में ए और बी में तो इसके काइंड बता दिए गए हैं, मतलब फर्स्ट क्लॉज में ही ये बता दिया है इसका ए पार्ट में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और बी पार्ट में बता दिया किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। और जो 137 का जो सेकंड क्लॉज है वो इसके पनिशमेंट के, इन दोनों के पनिशमेंट के बारे में बताता है। वैसे हम शाब्दिक अर्थ को हम समझें, किडनैपिंग दो शब्दों से बना है, किड प्लस नैपिंग। किड का मतलब बच्चा, नैपिंग मींस चुराना, अर्थात बच्चे को चुराना। यदि हम किडनैपिंग को समझें इंडिया में तो इसकी परिभाषा जो है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में, हूएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द इंडिया, जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से ले जाना, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंडिया से परे ले जाता है, इंडिया की सीमा के बाहर ले जाता है और उसकी सहमति के बिना, तो हम बोलते हैं कि उसने इंडिया से किडनैपिंग की। फिर एक बार समझेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बियॉन्ड द इंडिया ले जाता है उसकी सहमति के बिना, किसकी सहमति, या तो वही व्यक्ति या फिर हो सकता है उसकी तरफ से जो ऑथराइज जो कंसेंट देने के लिए उसकी ओर से, तो जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना या फिर उसकी ओर से जो प्राधिकृत है उसकी सहमति के बिना इंडिया से परे ले जाए तो हम बोलते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है इंडिया से किडनैपिंग करना, इंडिया की सीमाओं से परे लेके ले जाना, परे ले जाना तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया होता है। तो इसका जो फॉर्मूला बना, यदि हम इसे बहुत कम शब्दों में या मैथमेटिकल फॉर्मूले में समझने का प्रयास करें, कन्वे यानी कि ले जाना, बियॉन्ड इंडिया और विदाउट कंसेंट यानी कि बिना सहमति के किसी को इंडिया के बाहर ले जाना, बिल्कुल सिंपल। तो ये तो हमारा था 137 के फर्स्ट के ए पार्ट में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, पर जो एक किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे समझेंगे। जैसे इसका भी नाम ये है किडनैपिंग, यानी कि किड मतलब ले जाना, किडनैपिंग करना बच्चे को ले जाना, परंतु कहां से, गार्जियनशिप से। अब यहां पर इंडिया की बात नहीं कर रहे, यहां पर इंडिया में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, परंतु कैसे ले जा रहे हैं, गार्जियनशिप से ले जा रहे हैं। तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में जो महत्वपूर्ण है, गार्जियनशिप से ले जाना किसी को, इसको जरा हम डेफिनेशन समझते हैं। और खास बात एक और है, जो बीएनएस की धारा 137 में जो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है वो आईपीसी की जो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप से थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, पहले वाली परिभाषा में और जो अब वर्तमान में जो है उसकी परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं। Whoever takes or entices, जब कोई व्यक्ति किसी को ले जाता है या बहका ले जाता है, Whoever takes or entices, किसको, या तो किसी चाइल्ड को या फिर किसी अनसाउंड पर्सन को, कहां पर, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप, उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता के बाहर ले जाना, कहां से ले जा रहे हैं, लॉफुल गार्जियनशिप से ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, विदाउट कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, जो उसका लॉफुल गार्जियनशिप है उसकी सहमति के बिना ले जा रहे हैं। तो यहां पर क्या परिभाषा हुई, जब कोई व्यक्ति किसी चाइल्ड को या फिर किसी अनसाउंड व्यक्ति को उसकी संरक्षकता में से, लॉफुल गार्जियनशिप से में से उसके लॉफुल गार्जियनशिप की सहमति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है तो हम बोलते हैं कि उसने किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की। पहले जो आईपीसी में था वहां पर लिखा था ये चाइल्ड शब्द नहीं था, मेल और फीमेल था, और वहां पर था मेल के संबंध में 16 साल और फीमेल के संबंध में 18 साल। उस शब्द को हटाकर और बेहतर संतुलित कायम कर दिया है और दोनों में समानता ला दी है कि चाइल्ड को ले जाना, और चाइल्ड अब परिभाषित है, चाइल्ड इसमें परिभाषा दे रखी है कि चाइल्ड का मतलब जो 18 साल से कम है।
तो 18 साल से कम उम्र के चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उसकी उसके संरक्षक की सहमति के बिना ले जाते हैं तो किडनैपिंग है। और दूसरा अनसाउंड पर्सन, क्योंकि हम जानते हैं कि अनसाउंड पर्सन जस्ट लाइक बच्चा ही है, वो भी नहीं समझता कि क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, वह भी मैच्योर नहीं है, वह भी बेहतर डिसीजन नहीं ले सकता है, वह भी भला बुरा नहीं जानता है। जिस प्रकार से अवॉइस के लिए इस संरक्षक की आवश्यकता है, सेम अनसाउंड पर्सन भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसके भी संरक्षक की आवश्यकता होती है। तो यहां पर चाइल्ड की तो एज की बात की, मतलब चाइल्ड की तो एज हो जाएगी 18 साल, परंतु अनसाउंड पर्सन की कोई नहीं है। अनसाउंड पर्सन किसी भी एज का हो तो उसके लॉफुल गार्जियनशिप से लॉफुल गार्जियनशिप की सहमति के बिना ले जाना, वो होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब यहां पर जो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है, यहां पर जो दो महत्वपूर्ण शब्द है, एक तो चाइल्ड का मतलब मैंने बता दिया आपको 18 साल से कम वाला, एक है लॉफुल गार्जियनशिप और एक लीगल गार्जियनशिप। तो लीगल गार्जियनशिप अलग होता है, लीगल गार्जियन अलग होता है। जैसे हो सकता है मदर है फादर है, जैसे पिता लीगल गार्जियन है नेचुरल गार्जियन है, परंतु लॉफुल गार्जियनशिप यदि पिता ने किसी बच्चे को किसी नौकर को दे रखा है कि इस बेटे को ले जाना, या फिर मुनीम को दे दिया है, या फिर किसी अपने फ्रेंड को दे दिया है, तो वो लीगल गार्जियन में नहीं है, लॉफुल गार्जियनशिप। तो जब कोई बच्चा इनमें से किसी भी लॉफुल गार्जियनशिप में से उन लोगों की सहमति के बिना ले जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हुआ। तो यहां पर लीगल गार्जियन नहीं, लॉफुल गार्जियनशिप होता है। दूसरा एक चीज और, टेक्स और इंटाइसिस, सबसे महत्वपूर्ण शब्द टेक्स और इंटाइसिस। यहां पर टेक्स का मतलब होता है कि जो एक्यूज्ड है जो अभियुक्त है उसने कुछ ऐसा काम किया हो, ऐसा इंड्यूसमेंट किया हो, ऐसी सक्रिय पार्टिसिपेशन किया हो, ऐसा सक्रिय भागीदारी की हो, पार्टिसिपेशन किया हो, भूमिका निभाई हो, जिससे कि वो लड़की या लड़का वो आया हो। एक तो खुद ही अपने आप लड़के पर किसी पर आरोप लगा है किडनैपिंग का, तो लड़की खुद ही अपने पास आई कि आप मुझे ले चलो, मैं इन अपने मामा से चाचा से अपने पिता की मारपीट से परेशान हो गई हूं, मैं छोड़ना चाहती हूं, या वो छोड़ के आई है। तो यहां पर ले जाना है, उसके साथ जाना नहीं है। अगर मैं किसी को ले जाता हूं, ले जाने के लिए मैंने कुछ ऐसा इंड्यूसमेंट किया, मैंने कुछ ऐसा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, एक्टिव रोल निभाया, जिसकी वजह से वो बंदा आया मेरी तरफ, तो हम बोलेंगे टेक कर गया। तो टेक करना है, ना कि उसको अपने साथ चलने की अनुमति देना है। तो दोनों चीजों में एक तो आपका टेक शब्द है और दूसरा साथ चलने की अनुमति देना, इन दोनों चीजों में दोनों शब्दों में भिन्नता है। तो वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में भी, वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में भी कोर्ट ने कहा कि टेक और अलाउ, एक तो आप मतलब ले जा रहे हो, दूसरा उस व्यक्ति को अपने साथ चलने की अनुमति दे रहे हो, दोनों में भिन्नता है। टेक जैसे ये चीज है तो मैं इसको ले जा रहा हूं, टेक हो रहा है, परंतु कोई व्यक्ति अपने आप ही मेरे यहां पर अटक गया, कोई चीज अटक गई वो अपने आप आ रही, तो टेक नहीं हुआ, वो आई अपने आप, मुझे नहीं किया, मैंने कुछ रोल नहीं निभाया। जैसे किसी लड़की ने अपनी गार्जियनशिप छोड़ दी, या फिर वह मारपीट, उसे हो सकता है उसका गार्जियन मारता हो पीटता हो भीख मंगवाता हो या कुछ और भी रीजंस हो जिसकी वजह से वो परेशान हो गई हो, वो छोड़ के आई हो, या फिर वो कह रही हो चूंकि मैं यहां पर मर जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए प्लीज मुझे वहां पर छोड़ दो, प्लीज मुझे आज अपने घर ले चलो, तो यहां पर एक्यूज ने उसे कहा है ठीक है तू परेशान है चल मेरे साथ, तो वो टेक नहीं किया है यहां पर, बल्कि अलाउ किया है, मैं तुमको अलाउ करता हूं मेरे साथ चलो, मैं तुमको ले नहीं जा रहा हूं, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आप मेरे साथ चलो। तो इस ऑफेंस के गठन करने के लिए जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है टेक। एक्यूज ने क्या पीड़ित को साथ चलने के लिए टेक किया है, एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, रोल निभाया है चलने के लिए, तो टेक माना जाएगा, नहीं तो वो टेक नहीं माना जाएगा और एक्यूज ड्राइवर नहीं होगा। दूसरा शब्द है
entices, ले जाना और बहका ले जाना, बहकाना, बहकाने में मैं उस लड़की या लड़के के मन में इच्छा जागृत कर रहा हूं, प्रलोभन के माध्यम से, उत्प्रेरणा के माध्यम से मैंने कुछ ऐसा किया कि उसके मन में इच्छा जागृत हो गई, मैंने कुछ वचन दिया कि मैं शादी करूंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये कराऊंगा, तो मैंने उसे बहकाया जिसकी वजह से वो लड़की आई, तो बहकाया मैंने। तो इस किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के लिए या तो एक्यूज ने टेक किया हो या फिर इंटाइज किया हो। इंटाइज का मतलब यह है कि बहकाना, अर्थात उसके मन में इच्छा जागृत करना, और इच्छा जागृत हम कर सकते हैं प्रलोभन के माध्यम से या फिर किसी इंड्यूसमेंट के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये टेक और एंटाइसिस का जब भी किसी व्यक्ति पर एक्यूज पर आरोप लगे तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि टेक और एंटाइसिस नहीं था, क्योंकि लड़की ने प्रपोजल दिया था, लड़की ही छोड़ के आई थी, लड़की ने ही लड़के से कहा था कि मुझे ले चलो, मैं बहुत परेशान हूं, मर जाऊंगी नहीं तो। तो यहां पर पास्ट कंडक्ट क्या है, प्रपोजल किसकी तरफ से है, क्या गार्जियनशिप में थी उस समय, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जिस समय वो लड़की या लड़का ले जाने की बात हो रही है उस पर क्या लॉफुल गार्जियनशिप में है, क्योंकि लॉफुल गार्जियनशिप में है ही नहीं तो फिर किडनैपिंग कैसे लगेगी। पहले ये शो करना पड़ेगा कि वो लॉफुल गार्जियनशिप में है, फिर ये शो करना पड़ेगा कि उसने एक्टिव पार्टिसिपेशन निभाया हो, एक्टिव रोल निभाया हो, अर्थात टेक किया हो या फिर उसकी इच्छाओं को जागृत किया हो, बहकाया हो, इंटाइसिस किया हो, तब जाके हम बोलेंगे कि वो चीज उसने किडनैपिंग की। दूसरी यहां पर शब्द है कंसेंट, उसकी सहमति के बिना। सहमति का मतलब यह है अपनी इच्छा से, सहमति का मतलब ये नहीं है कि तू मेरे साथ चली हो, नहीं चली तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा, तो ये कंसेंट नहीं है, है ना। तो सेक्शन जो कंसेंट है, सेक्शन बीएनएस की धारा 28 और आईपीसी की धारा 90 में हमने पढ़ा था कि कंसेंट वैध वो मानी जाती है जो स्वेच्छा हो, जो बच्चे की ना हो, अर्थात 12 साल से कम उम्र की ना हो, जो डरा धमका के ना ली गई हो, जो मत व्यक्ति की ना हो, जो अनसाउंड व्यक्ति की ना हो। तो कंसेंट जब इनमें से किसी श्रेणी में ना आ रही हो, जो मैं 28 की बात कर रहा हूं, तो हम बोलेंगे कि ये कंसेंट है। तो ये कंसेंट है, कंसेंट का मतलब यहां पर गार्जियन की कंसेंट, उस बच्चे की या अनसाउंड की कंसेंट नहीं, क्योंकि यहां पर वो कंसेंट देते हैं नहीं देते हैं इमेटेरियल है, क्योंकि वह जानते ही नहीं है, इमेच्योर है, समझदार नहीं है, इसलिए जो बच्चा है या फिर अनसाउंड है उसकी कंसेंट का ज्यादा रोल नहीं है या बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। जो कंसेंट है वह कंसेंट का मतलब है गार्जियन की कंसेंट। तो ये था आपका किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इसका यदि हमें एलिमेंट समझने हो तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ले जाना या बहका ले जाना, और जिस व्यक्ति को ले जाया गया हो या बहकाया ले जाया गया हो वो चाइल्ड हो या फिर अनसाउंड पर्सन हो, या फिर हम एक भी बना सकते हैं इस पूरा, एक व्यक्ति द्वारा किसी चाइल्ड या अनसाउंड पर्सन को ले जाना या बहका ले जाना। नंबर टू, वह उस समय लॉफुल गार्जियनशिप में होना चाहिए। नंबर तीन, वह उस लॉफुल गार्जियनशिप की सहमति के बिना ले जाया गया हो। यदि तीनों एलिमेंट पूरे होंगे तब हम बोलेंगे कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हुई। ओके, तो ये हमारा, अभी हमने केवल इसके कुछ डेफिनेशन समझी, नेक्स्ट पार्ट में इसके कुछ केसेस को भी समझेंगे। ओके।